पुलिस का नया अंदाज देखने को मिला है। देवास जिले में एसपी चंद्रशेखर सोलंकी के निर्देशन में बागली पुलिस द्वारा आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान चलाते हुए सभी गांव में ग्राम चौपाल व शासकीय अशासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं से संवाद कर पुलिस कानून एवं अपराधों के प्रति जानकारियां साझा की जा रही है। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी का नया अंदाज देखा जा रहा है, जिसमें पहली बार बागली पुलिस में देखने को मिल रहा है कि पुलिस सीधे साधे अंदाज में जमीन पर बैठकर आम जन से जुड़कर बातें साझा कर रही है और उनकी पुलिस से जुड़ी समस्याएं सुनकर हल भी की जा रही है। बागली थाना प्रभारी अमित सोनी एवं महिला एएसआई मोना राय द्वारा बागली थाना क्षेत्र के सभी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों से संवाद कर उन्हें अपराधों के बारे में एवं किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए की जानकारियां दी जा रही है, तो वहीं अपराधों पर नियंत्रण को लेकर ग्रामीणों से भी ग्राम चौपाल का आयोजन कर संवाद किया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है कि यदि आसपास कहीं भी गलत गतिविधियां संचालित होती नजर आती हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना देना चाहिए। और एक अभियान चला जा रहा है, गाँव में चौपाल लगाकर चर्चा की जा रही है, स्कूलों में संवाद किया जा रहा है, बच्चों से क्या है उसका पूर्ण उद्देश्य? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, देवास के द्वारा एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें आम जन से संपर्क कर उन्हें अपराधों के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में और अन्य अन्य तरीके से पुलिस के संबंध में अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इसे ग्राम चौपाल जनसंपर्क अभियान का नाम दिया गया है। इसके तहत हम लोग गाँव-गाँव जाकर लोगों को अपराधियों के प्रति सचेत रहने के तरीके बता रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से नशे में लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो उससे अपनी बचत के लिए जो उपाय है और संभावना उनसे आगाह करा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।